खबर शाहजहांपुर से, जहां मोदी सरकार के द्वारा लाए गए किसान कानून के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर पर डटे किसानों के पक्ष में जनपद में धरना प्रदर्शन करने जा रहे समाजवादी पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक दिया। इस बीच सिपाहियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की और नोकझोंक, बाद में सभी को गिरफ्तार किया गया। हालांकि बिना कार्रवाई के सभी को रिहा भी कर दिया गया। इस बीच सिपाहियों ने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। सोमवार को प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर समाजवादी पार्टी के द्वारा किसानों के हक में धरना प्रदर्शन किया गया था। प्रदर्शन को रोकने के लिए सुबह सपा जिलाध्यक्ष तनवीर खान के आवास पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर उन्हें नजरबंद कर दिया गया। जिलाध्यक्ष को नजरबंद किए जाने की सूचना पर तमाम सपाई आक्रोशित होकर उनके आवास पर पहुंच गए। इस बीच सपाइयों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सपाइयों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस तनवीर खान के आवास से करीब 1 किलोमीटर दूर चली गई, जिसके बाद सपाई पैदल ही प्रदर्शन करने निकल गए। अम्बेडकर पार्क के पास पुलिस ने उन्हें रोका तो सभी आक्रोशित हो गए। इस बीच पुलिस बल और सपा कार्यकर्ताओं के बीच खूब बहस, नोकझोंक और धक्का मुक्की भी हुई। हालांकि बाद में पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस लाइन में बनाए गए अस्थायी जेल में बैठा दिया। दोपहर बाद सभी को रिहा भी कर दिया गया। इस बीच जिलाध्यक्ष तनवीर खान ने सड़कों पर ठिठुरते किसान आंदोलनकारियों की जायज मांगों को लेकर भाजपा सरकार हठवादी रवैया अपनाए हुए किसानों की अपेक्षा की जा रही है। पोया विधानसभा प्रभारी उपेंद्र पाल सिंह ने कहा कि केंद्र तथा प्रदेश की भाजपा सरकारों की नीतियों से किसानों के हितों को गहरा आघात लग रहा है। इन नीतियों से कारपोरेट घरानों को ही सीधा लाभ पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। किसान दिल्ली में आंदोलन करते हुए डटे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांग नहीं मान रही।